यूपी के कई जिले इस वक्त डेंगू की चपेट में हैं, जिसके बाद योगी सरकार डेंगू को फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। सहारनपुर में अभी तक डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है, हालांकि वायरल बुखार का प्रकोप यहां जरूर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते एहतियातन सहारनपुर नगर निगम अब अलर्ट हो गई है। नगर निगम क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में एंटी लार्वा व फॉगिंग अभी से करवाई जा रही है। सहारनपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन ने नगर निगम की टीम के साथ कई गांव के तालाबों और नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव करने के साथ फॉगिंग भी करवाई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए निगम क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही लोगों को डेंगू मलेरिया से बचने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। जी आज आप लोगों द्वारा जो है लावा छिड़काव किया जा रहा है, कितने गांव में किया गया है, क्या दिक्कत है? ये नगर निगम क्षेत्र में हमारे 32 गांव नए ऐड हुए हैं, तो नगर आयुक्त जी के निर्देश अनुसार हमने सभी वार्डों में डेंगू को देखते हुए कि हमारे अभी नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल डेंगू का कोई केस नहीं है, फिर भी हम नगर निगम अलर्ट है और एंटी लार्वा का छिड़काव प्रत्येक वार्ड में किया जा रहा है। विशेष तौर से आज हमारे ये वार्ड नंबर 8 में, जिसमें 13 गांव लगते हैं, उसमें हमारा एंटी लार्वा का विशेष अभियान चला है, जिसमें जहां भी पानी का ठहराव है, नाली है, तालाब है, वहां पे सब हम पूरा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं वार्ड नंबर 8 से पार्षद हूँ। जी आज जो छिड़काव हो रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? मेरा जो मुझे पता लगा, डॉक्टर कुणाल जैन जी ने जो है बताया कि आपके वार्ड में आज एंटी लार्वा का छिड़काव होगा, तो बहुत अच्छी पहल थी। पहले हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया था, करीब लगभग 27 आदमी जो हैं हमारे वार्ड से जो है डेंगू की वजह से जो है मौत की घाट को चले गए थे, और 17 आदमी चकदेवली से ही जो है मौत को प्यारे हो गए थे वो। तो इस एंटी लार्वा को जैसे आज ये पहल है, इसी तरह अगर ये चलती रही नगर निगम के द्वारा, तो हमारे वार्ड में एक भी डेंगू से मौत नहीं होगी और बीमारी से मलेरिया से भी मौत नहीं होगी। ये बहुत अच्छी पहल है। ये कच्चा वार्ड है, इसमें नाले हैं जो कच्चे हैं, उनमें पानी ठहराव होता है। इस एंटी लार्वा से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, जो बीमारी से जो है बचेंगे। लगभग कितने गांव हैं और कितने गांव में किया जा रहा है? मेरे वार्ड में दराकोटतला नाम से मेरा वार्ड है, इसमें 13 मजरे पड़ते हैं और लगभग 15,000 इसमें वोट हैं। काफ़ी लंबा वार्ड है ये, और इसमें ही खास तौर से ज़्यादातर पानी रुकावट हैं, क्योंकि छोटे छोटे तालाब हैं, बहुत सारे तालाब हैं, उन तालाब की खुदाई भी चल रही है। तो जिस तरह से आज जो है डॉक्टर कुणाल जैन के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, नगरायुक्त महोदय, महापौर जी ने संज्ञान में लिया है, तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं इनको कहता हूँ कि ये पूरे सहारनपुर में अगर इसी तरह से जो है इस अभियान को चलाएंगे, तो सहारनपुर में एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश को जो है प्रभावित करने वाला मैसेज होगा। तो ये मानते हैं कि आप नगर निगम जो है अलर्ट है? नगर निगम अलर्ट है, मैं आज देख रहा हूँ। काश हम पहले से इस तरह के अभियान अगर चलाते, तो हम इतना नुकसान जो हमें हुआ है वो ना उसकी भरपाई कर पाते, जो हमने नए नए बच्चे जो हैं हमारे से जो है ना वो मौत की घाट को प्यारे हो गए, वो बचा सकते थे हम लोग। लेकिन फिर भी चलो, जल्दी आया मामला तो कोई बात नहीं है। अब भी हम बहुत कुछ इस बात को, अगर नगर निगम इसी तरह चलता रहे, मैं भी इसमें, हम भी लोग जो है ना पार्षद लोग भी सहयोग पूरा करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, नगरायुक्त महोदय को और महापौर महोदय को और डॉक्टर कुणाल जैन को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।